सब्जेक्ट गो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार सिंह, आप देख रहे हैं सब्जेक्ट गो। आइए सीखते हैं आज का अध्याय। आज हम जानेंगे कि ईमेल में बोल के आप टाइपिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे आप कुछ बोलेंगे और ईमेल में जो है अपने आप वो टाइपिंग होता चला जाएगा। तो अगर आप बोल के टाइपिंग सीखना चाहते हैं कि ईमेल में कैसे वॉइस टाइपिंग करते हैं, तो चलिए इसके लिए जो है सीखते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे देखिए सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाद एक बेल आइकन आएगा, उसे भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो आपको फ्री में मिलते रहे और आप देख पाए। तो चलिए सीखते हैं हाउ टू वॉइस टाइपिंग इन जीमेल, यानी जीमेल में वॉइस टाइपिंग कैसे करते हैं। तो देखिए, ईमेल में वॉइस टाइपिंग करने के लिए सबसे पहले अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर रखा है। और लॉगिन करने के बाद आपको जो है अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में एक जो है एक्सटेंशन ऐड करना पड़ेगा। तो आपको जो है यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और इसमें ही एक एक्सटेंशन ऐड करना है। तो उस एक्सटेंशन का नाम देखिए क्या है, उसका नाम है ईमेल डिक्टेशन। यहाँ पे ये एक्सटेंशन आपको सर्च करना है, ईमेल डिक्टेशन। जब आप लिखेंगे ईमेल डिक्टेशन तो आपके सामने ये लिंक आएगा, देखिए ईमेल डिक्टेशन गूगल क्रोम, ये लिखा आना चाहिए। या आप चाहे तो यहाँ पे टाइप कर दीजिए ईमेल डिक्टेशन गूगल क्रोम, तो ये आपको मिल जाएगा। जब ये मिल जाए आपको तो देखिए, अब नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है chrome.google.com, तो ये लिंक जो है आना चाहिए। उसके बाद इस पर क्लिक कीजिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है आपके ब्राउज़र में ऐड हो जाएगा। ऐड होने के लिए यहाँ पर कहेगा अभी आपसे, देखिए ये ऑप्शन आ गया ऐड करने के लिए। और ये काम कैसे करता है वो मैं बता देता हूँ आपको। पहले देखिए काम कैसे करेगा, जब आप इस एक्सटेंशन को अपने ब्राउज़र में ऐड कर लेंगे उसके बाद जीमेल में यहाँ पे आपके जो है एक माइक आ जाएगा वॉइस टाइपिंग के लिए। तो यहाँ पे क्लिक करके आप टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं, और यहाँ पर क्लिक करके आप सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर ऊपर जो है ये बटन दिया हुआ है ऐड टू क्रोम, इस पर क्लिक करिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद ये यहाँ पर कहेगा ऐड एक्सटेंशन, तो इस पर क्लिक कीजिए। ये आपके क्रोम ब्राउज़र में यहाँ पे जो है ऐड होगा अभी। तो देखिए यहाँ पे जो है क्रोम ब्राउज़र में ये यहाँ पे ऐड हो चुका है। आप चलते हैं जीमेल में, तो जीमेल में आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे जीमेल में कोई भी नया ईमेल किसी को भेजने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले कंपोज करते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये कंपोज बटन है, इस पर क्लिक कीजिए और कंपोज कीजिए, कोई भी ईमेल लिखिए यहाँ पे। तो देखिए ईमेल भेजने के लिए सबसे पहले यहाँ पे टू में किसी का ईमेल आईडी डाल दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट डाल दीजिए, किस चीज़ के बारे में आप जो है ईमेल भेज रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई भी ईमेल टाइप करना स्टार्ट हो जाइए। तो देखिए अभी जो है यहाँ पे माइक का निशान जो है वो नहीं आया है वॉइस टाइपिंग के लिए। तो एक बार जो है आपको अपना जीमेल अकाउंट फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रिफ्रेश बटन पर क्लिक करके रिफ्रेश कर लीजिए, या जीमेल अकाउंट को फिर से एक बार जो है खोलिए। तो चलिए मैं जो यहाँ पर क्लिक करता हूँ ये रिफ्रेश हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि यहाँ जो है माइक का निशान आ जाएगा वॉइस टाइपिंग के लिए। उसके बाद देखिए ये जो है रिफ्रेश हो गया। उसके बाद यहाँ पे कंपोज बटन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है ये कंपोज ऑप्शन खुल गया मेल लिखने के लिए। अब यहाँ पे सबसे पहले टू में किसी का भी ईमेल आईडी डाल दीजिए जिसे आप मेल भेजना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं जो यहाँ पर इसी तरह से एक डेमो के लिए यहाँ पर डाल देता हूँ। और उसके बाद नीचे यहाँ पर सब्जेक्ट डालना है, तो सब्जेक्ट में डाल दीजिए, सब्जेक्ट में कुछ भी डाल दीजिए, कंप्यूटर के बारे में बता रहे हैं, किस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आप जो है ईमेल यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे देखिए यहाँ पे आ गया वॉइस टाइपिंग का, डिक्टेशन का यहाँ पे निशान, और उसके बाद यहाँ पे सेटिंग का आइकन है। तो सेटिंग तो हमें कोई भी नहीं करना है, बस यहाँ पे हमें जो है टाइपिंग करना है स्टार्ट करके। तो यहाँ पर जैसे ही माउस क्लिक करेंगे उसके बाद ये जो है आवाज़ यहाँ पर कैच करेगा टाइप करने के लिए। तो करके देखते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, ये कहेगा यहाँ से आपके माइक को अलाउ करने के लिए। तो अलाउ कर देते हैं। हेलो, हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क, आई एम फाइन एंड यू क्वेश्चन मार्क, थैंक यू। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे जो है मैंने ईमेल टाइप किया तो ये बोल के यहाँ पे जो है टाइप हो गया। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो है काम करता है। अगर आप इसमें बोलेंगे तो बहुत ही जल्दी अच्छे तरीके से जो है टाइप कर देता है। तो मैंने अभी इसे जो है इंग्लिश में टेस्ट किया है, यहाँ पे चेक किया है। अब इसे जो है हिंदी में देखते हैं कि हिंदी में ये कैसे टाइप करता है। चलिए हिंदी में भी स्टार्ट करके देखते हैं। हेलो, आप कैसे हैं, क्या आप मुझे मेल कर सकते हैं,
तो देखिए यहाँ पे हिंदी में मैंने बोला तो हिंदी में भी जो है ये टाइप कर दिया, यानी कि इंग्लिश वाले वर्ड में टाइप किया है। तो इस तरह से जो है आप इस ईमेल का तो इस तरह से आप जो है इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, ईमेल में जो है बोल के टाइप कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक करके आप जो है ये ईमेल भेज सकते हैं। आज हमने सीखा कि ईमेल में बोल के टाइप कैसे करते हैं, यानी कि ईमेल में अगर आप वॉइस टाइपिंग करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है इस वीडियो से संबंधित तो आप जो है subjectgo.in वेबसाइट पे आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि subjectgo.in वेबसाइट का यूज़ कैसे करते हैं और अपना सवाल कैसे पूछे वहाँ पे, तो इसके लिए जो है वीडियो subjectgo का बना हुआ है, वो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। और देखते रहिए subjectgo और सीखते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। subjectgo के इसी तरह से आने वाले नए वीडियो सबसे पहले देखने और सीखने के लिए अगर अभी तक आपने subjectgo चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके subjectgo चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए और आप देख पाएँ। और देखते रहिए subjectgo और सीखते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।